नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच में दूसरे वनडे में जब हार्दिक पांड्या टॉस के लिए आ रहे थे तो सभी का दिल धड़क रहा था कि क्या हो गया, रोहित शर्मा क्यों टॉस के लिए नहीं आ रहे हैं, क्या वो इंजर्ड तो नहीं है, आखिर ऐसा क्या हुआ है। लेकिन हार्दिक पांड्या टॉस के लिए आए और उन्होंने बताया कि देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने केवल इस मैच के लिए आराम लिया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि टीम मैनेजमेंट कुछ सवालों के जवाब चाहता था, जिसके लिए इन दोनों अनुभवी खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया है। इन दोनों की जगह अक्षर पटेल और संजू सैमसन को शामिल किया गया है। लेकिन जैसे ही विराट कोहली और रोहित शर्मा को टीम से बाहर किया गया या उन्हें रेस्ट दिया गया, तब से सोशल मीडिया में पूरी तरीके से कई तरह से गुस्सा है। कुछ लोग इसका मजाक बना रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि अभी वनडे वर्ल्ड कप शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं और हमारे जो दिग्गज खिलाड़ी है वो अभी भी आराम ले रहे हैं। तो कुछ खिलाड़ियों का या कुछ जो दर्शक है, यूजर है, उनका ये कहना है ये उसी तरीके से है जैसे कि वीक टीम के खिलाफ रन बना के क्या मिलेगा। लेकिन सारे ट्वीट्स आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को आराम की जरूरत थी? क्या उन्हें इतना रिफ्रेशमेंट चाहिए था? या एक मैच के लिए टीम इंडिया क्या अपने सवालों का जवाब ढूंढ लेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी 100 दिन भी नहीं बचे हैं वनडे वर्ल्ड कप में, अभी तक सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं आपको, तो आप कैसे जीतोगे वनडे वर्ल्ड कप? तो अब रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं, आप सभी को पता है, विराट कोहली भी नहीं खेले हैं। इन दोनों के ना खेलने पर कमेंट बॉक्स में आप बताइए आप क्या कहेंगे। क्या इनका आराम लेना ठीक है? क्या वनडे वर्ल्ड कप से ठीक पहले बार बार आराम लेना कहीं टीम इंडिया को वनडे वर्ल्ड कप से दूर तो नहीं कर रहा? वही टीम मैनेजमेंट के वो कौन से सवाल है जिनका जवाब अभी तक उनको मिला नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आपने अब तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।